नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 26 जून 2024, और 26 जून 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए, दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र किसने वन वीक वन थीम अभियान शुरू किया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 6:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है पूरे फैक्ट के साथ में, और बढ़िया तरीके से आपको ये कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। कौन सा देश बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा, तो भारत 23 जून 2024 को किस शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रच दिया, तो कोझिकोड। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के महानिदेशक कौन बने, तो प्रदीप सिंह खारोला। किसने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के Terminal 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया, तो गृह मंत्री अमित शाह ने। हाल ही में UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अंदर भारत को 15वां स्थान मिला। TDP के नरसीपटम विधायक सी अन्याना पात्रुडू को किस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया, तो आंध्र प्रदेश का। हाल ही में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए किस खिलाड़ी को दूसरी बार नाडा ने निलंबित कर दिया, तो ये किया है बजरंग पूनिया को। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। कंटिन्यू आपको टेस्ट वगैरह दिए जा रहे हैं, अपनी वार्षिक करंट की जो टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक, पूरा करंट आपको यहाँ पे मिलेगा। एक साल का पूरा करंट आपको मिलता रहेगा। तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर ये पूरे साल की वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और कंटिन्यू आपको क्लास भी मिलती ही रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, तुर्की के अंताल्या में आयोजित आर्चरी विश्व कप 2024 के तीसरे चरण में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो तुर्की के अंताल्या में आयोजित हुई थी आर्चरी विश्व कप 2024, और इसके अंदर तीसरे चरण की बात करें तो इसके अंदर भारत ने कितने पदक जीत लिए, तो इसके अंदर भारत ने 4 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते भारत ने, ये तीरंदाजी का खेल होता है, और इसके अंदर भारत ने 4 पदक जीते। और ये चरण कौन सा है, तीसरा चरण, इसका जो पहला चरण है वो अप्रैल में, दूसरा चरण मई के अंदर आयोजित हुआ, और अब तीसरा चरण जून में, और चौथा भागमी जुलाई अगस्त के अंदर आयोजित किया जाएगा। वहां पर देखेंगे भारत कितने पदक जीता है। तो अभी तीसरा चरण इसका समाप्त हुआ जिसके अंदर भारत ने 4 पदक जीते। तुर्की के अंताल्या में आयोजित आर्चरी विश्व कप 2024 का तीसरा चरण 23 जून 2024 को समाप्त हुआ, जिसमें भारतीय तीरंदाजों ने अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया और कई पदक जीते। विश्व तीरंदाजी द्वारा 18 से 23 जून 2024 तक आयोजित इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भारत की टीम ने 4 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। तो टोटल 4 पदक जीते, जिसमें से 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और अब की बार इस वार्षिक प्रतियोगिता का ये 18वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो बढ़िया तरीके से ये पॉइंट आपको याद रखना है। हाल ही में ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है, हाल ही में ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला, तो इसके अंदर भारत को 8वां स्थान मिला है। ये कौन सा स्थान है, भारत को इसके अंदर 8वां स्थान है मिला। भारत ने इसके अंदर टोटल पदक जीते थे 29। कितने, 29 पदक भारत ने जीते और इसके अंदर 8वें स्थान पर रहा। कौन सा खेल है ये, ब्रिक्स खेल 2024 है, और अब की बार ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है, रूस देश है, वो की बार रूस है, वो ब्रिक्स खेल के ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। तो 2024 ब्रिक्स खेल अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है, ये 12 से लेकर 23 जून 2024 तक है, रूस के कजान में आयोजित हुई, और 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस के पास में है।
और इस खेल का शुभंकर था तेंदुआ ब्रिक्सिक। क्या है? ब्रिक्सिक, तेंदुआ ब्रिक्सिक है। पदक तालिका में रूस, बेलारूस और चीन ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल है। यह है कि पहला स्थान रूस का, दूसरा है बेलारूस और तीसरा है चीन का स्थान है। रूस ने 262 स्वर्ण पदक के साथ में टोटल 502 पदक जीते और भारत ने 29 पदक के साथ 8वें स्थान पर रहा, जिसके अंदर भारत ने कुल 3 स्वर्ण पदक जीते, 6 रजत और 20 कांस्य पदक जीते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, भारत ने 29 पदक के साथ 8वां स्थान हासिल किया और सबसे ज्यादा पदक किसने जीते? रूस देश ने पदक जीते हैं। AFMS के 4 अधिकारियों ने फ्रांस के सेंट ट्रोपेज में 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में कितने पदक जीते हैं? AFMS का मतलब होता है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा। AFMS का मतलब होता है 4 अधिकारियों के ने फ्रांस के अंदर ये सेंट ट्रोपेज का 43वां विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल आयोजित किया गया और इसके अंदर कितने पदक जीते? 32 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते इसके अंदर है? भारतीय टीम ने यहाँ पर 32 पदक जीते हैं। तो फ्रांस के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो ये एथलेटिक कौशल और समर्पण के उल्लेखनीय प्रदर्शन में भारत के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS के 4 अधिकारियों ने फ्रांस के सेंट ट्रोपेज में 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, मेजर अनीस जॉर्ज, कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन और कैप्टन दानिया जेम्स ने सामूहिक रूप से 19 स्वर्ण, 9 रजत और 4 कांस्य सहित रिकॉर्ड तोड़कर 32 पदक हासिल किए हैं। तो स्वर्ण पदक कितने जीते? सबसे ज्यादा उन्होंने 19 स्वर्ण पदक जीते, टोटल 32 पदक यहाँ पे जीते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार है। कौन क्या में बड़ा गजब का ये करंट का क्वेश्चन है और आने वाला एग्जाम के अंदर पक्का ही टपकेगा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसको नियुक्त किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, ध्यान रखना, मार्क रूटे को, ऑप्शन नंबर सी। किसको किया जाएगा? मार्क रूटे को। इससे पहले बात करें, अब वर्तमान में जेन स्टोल्टनबर्ग है वो नाटो के महासचिव है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मतलब होता है नाटो। क्या होता है? नाटो के महासचिव वर्तमान में जेन स्टोल्टनबर्ग है। अभी इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, इनके तुरंत बाद में अब बनेंगे मार्क रूटे हैं, वो अब नाटो के नए महासचिव बनने जा रहे हैं। तो करंट में क्वेश्चन पक्का ही ये टपकेगा। तो नी वर्तमान डच प्रधानमंत्री मार्क टेफलन रूटे अक्टूबर 2024 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव के रूप में जेन स्टोल्टनबर्ग की जगह लेंगे। तो ये अक्टूबर के अंदर ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति ने गठबंधन के शीर्ष पद की दौड़ में नाम वापस लिया, जिसमें रूटे एकमात्र शेष उम्मीदवार रह चुके थे। यानी कि ये डच प्रधानमंत्री हैं नई वर्तमान मार्क टेफलन रूटे और ये आगामी 2 अक्टूबर 2024 के अंदर नाटो के नए महासचिव बनने जा रहे हैं। दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश के अंदर यह स्थापित किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के महाराजा गंज में एशियाई राजा गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। यह सुविधा 2007 से अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में अत्यंत विलुप्त होने वाले प्रजातियों के जनसंख्या में ये सुधार करेगी और इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र रखा जाएगा। जो एक प्रजनन केंद्र स्थापित होगा ना, इसका नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र रखा जाएगा। जो ये एशियाई राजा गिद्ध है, इनको एशियाई राजा गिद्ध या पांडिचेरी गिद्ध भी कहा जाता है। तो बड़ा गजब का ये है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो ये की गई है झारखंड के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, यानी कि झारखंड के अंदर
कोयले को अलग अलग गैस के अंदर परिवर्तित किया जाएगा और ये भारत की पहली पायलट परियोजना यहाँ पर शुरू की गई। कहाँ पर है? झारखंड में। तो 24 जून को कोयला मंत्रालय ने झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन यानी कि यूसीजी के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। कोल इंडिया की सब्सिडियर कंपनी ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसमें कोयले को मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस में बदला जाएगा। यानी कि जो कोयला है ना उसको मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैसों में कोयले को बदला जाएगा। और ये भारत का पहला जो ये पायलट प्रोजेक्ट है ये झारखंड के जामताड़ा जिले के अंदर लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में किसने वन वीक वन थीम ODWOT अभियान शुरू किया है? तो किसने वन वीक वन थीम अभियान शुरू किया? तो ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन नंबर एक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा वन वीक वन थीम अभियान शुरू किया गया। अब इसका मतलब क्या होता है देखो, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष, कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन विभाग में राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देखो इतने पद हैं इनके पास, कितने पद? ये सारे के सारे पद मैंने आपको बता दिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है ये। 24 जून को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधाओं में भारत की हाल ही की सफलता की गाथाओं को प्रदर्शित करते हुए वन वीक वन थीम अभियान का शुभारंभ यानी कि ODWOT अभियान का शुभारंभ किया किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इसके लिए उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न विधाओं के अंदर भारत के अंदर सफलता हासिल की, इसलिए उन्होंने वन वीक वन थीम अभियान शुरू किया। किस राज्य ने प्रदेश के सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है? किस राज्य ने प्रदेश के सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी? तो ये की है मध्य प्रदेश के CM है मोहन यादव। कौन है मध्य प्रदेश के CM है? मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने अपने प्रदेश के सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है। तो मोहन यादव ने प्रत्येक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र खोला जाएगा और इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस 1 जुलाई से मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में शुरू होने जा रहा है। यानी कि 1 जुलाई से मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में ये शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 21 जून को मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मध्य प्रदेश राज्य है वो ड्रोन नीति लेकर आएगा। यानी कि ड्रोन नीति लेकर आने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और इसी के साथ CM मोहन यादव ने श्री अन्न संवर्धन अभियान का उद्घाटन है किया। यानी कि श्री अन्न संवर्धन अभियान है योजना बेरा है उसका भी उद्घाटन है किया है। तो ये अलग अलग पॉइंट है याद रखना साथ में। किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया? तो ये नाम से ही पता चल रहा है, तो ये है महाराष्ट्र के राज्यपाल है। उन्होंने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक का पुस्तक का विमोचन किया है। किसने? महाराष्ट्र के राज्यपाल ने। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस ने क्षेत्र के प्राचीन और आधुनिक समुद्री इतिहास पर प्रकाश डालते हुए गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का फोकस यही है कि मुंबई क्षेत्र के ऐतिहासिक बंदरगाह और डॉक्स यानी कि जो मुंबई क्षेत्र के बंदरगाह से संबंधित है ना, इस पुस्तक के अंदर इसका रीजन दिया हुआ है। हाल ही में कौन सोनी पिक्चर्स के MD और CEO बने हैं? हाल ही में कौन है सोनी पिक्चर्स के MD और CEO बने? तो ये बन चुके हैं गौरव बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी। ये देखो सोनी पिक्चर्स के MD और CEO कौन बन गए? गौरव बनर्जी बन गए। तो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने 24 जून को डिज्नी के पूर्व कार्यकारी गौरव बनर्जी को अपना प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त करने की घोषणा की, जो 26 अगस्त को या उससे पहले वह प्रभावी है। जो गौरव बनर्जी उन्होंने NPCA की जगह ली, यानी कि 26 अगस्त से इनका कार्यकाल उन्होंने संभालेंगे।
ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो इसके अंदर भारत को 63वां स्थान मिला। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बनने जा रहा है, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहले स्थान पे कौन है और भारत है कौन से स्थान पर है, तो ये आपको तीनों का जवाब देना है बढ़िया तरीके से। ये आज की थी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास, सारे विद्यार्थी वीडियो को जा जाते लाइक शेयर करते रहना, और LDC वगैरह CET की स्पेशल अपनी करंट की टेस्ट सीरीज है, RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की PDF अपलोड है, कोई साथी लेना चाहे तो 50 रुपए के अंदर आप ले सकते हो बढ़िया तरीके से, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के 1 साल की वैलिडिटी है, और PDF पढ़ने के लिए ऐप के अंदर उपलब्ध रहेगी, और इंडियन पॉलिटी के संपूर्ण टॉपिक पर आधारित पूरा आपका इंडियन पॉलिटी वो कवर हो जाएगा टेस्ट सीरीज में, और स्पेशल फर्स्ट ग्रेड के लिए भारत और राजस्थान का ऑनलाइन करंट आपको दिया जा रहा है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ठीक है, ये आप ले सकते हो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके, और NCERT बुक है, जनरल साइंस है, ये भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।